स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैसे हैं जी आप तमाम लोग, और आप लोगों की प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम जो है सर आई वांट टू आस्क दैट आई कैन नॉट इंस्टॉल WooCommerce ऑन जी फ्री वेब होस्टिंग के ऊपर। जैनब ये प्रॉब्लम आता है कि वो आपको WooCommerce इंस्टॉल करने नहीं देते। बेटा अब ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास, इवन नहीं हो सकता। जब तक आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज नहीं करेंगे, आप WooCommerce की प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। बहुत मुश्किल है। आप लोग दुआ किया कीजिए जी मेरे लिए, खसूसी तौर पे लास्ट 15 डेज से जी मैं बहुत सिवियर बैकएक के अंदर जो है वो बैठा हुआ हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों को लेक्चर्स देता हूँ। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला जो है वो जल्द से जल्द शिफाए कामला अजला अता फरमा दो। सर HTML के बारे में कुछ बता दें। बेटा HTML हमारे इस कोर्स में नहीं है, कोशिश करूंगा कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताओ। सर अब आप जी अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट बेटर नाउ। आप लोग दुआ जरूर कीजिएगा, जितने ज्यादा लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूलियत के उतने दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन है जी हमारा एडवांस से रिलेटेड है, और एडवांस में हमने आज जो स्टडी करना है वो हमने देखना है कि जब हम एक ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर जो है वो उसके ऊपर कुछ मजीद हमें जो है वो वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। अच्छा आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि हम लोग किस डोमेन के ऊपर अपने बेसिक में काम कर रहे थे? लीफ डॉक्स पे काम कर रहे थे या विजन सॉल्यूशंस पे काम कर रहे थे? लीफ डॉक्स पे। ओके 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 ठीक हो गया। अच्छा आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो WooCommerce के कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं, और ये प्लगइन्स भी बहुत काम के प्लगइन्स हैं, और इन एक एक प्लगइन का हम क्लाइंट को चार्ज करते हैं कोई अप्रॉक्सीमेटली $40 to $50 पर जो है वो प्लगइन। ठीक है जी। तो एडवांस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के अंदर हम WooCommerce के कुछ एडवांस प्लगइन्स के बारे में पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सबसे पहला जो हमारा प्लगइन है ये प्लगइन है जी AJAX कार्ट ऑटो अपडेट फॉर WooCommerce। अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लीफ डॉक्स का WP एडमिन पैनल, और हम फिर स्टार्ट करते हैं फर्दर। अच्छा मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगी स्क्रीन में, जरा लॉग इन कर लूं, और लॉग इन करने के बाद जो है वो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं फर्दर। जी लॉगिन मेरा ऑलमोस्ट लॉगिन कंप्लीट हो गया, बस ये साइट लोड हो जाए तो मैं आपको इनके साथ शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा स्क्रीन रिज्यूम हो गई है और आप लोगों को विजिबल है, मुझे जरा बताइए। ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब हम लीव डॉक्स को जो है वो ओपन भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था, उसके लिए अगर हमें मेन्यू चेंज करने की जरूरत है तो हम मेन्यू चेंज कर लेते हैं। जी बिल्कुल हमें मेन्यू चेंज करना पड़ेगा अपेयरेंस में, मेन्यूज के सेक्शन में। अच्छा ये जो मेन्यूज आप जितने भी बनाते हैं ये भी आज आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेन्यूज जो हैं ये लिस्टेड होते हैं और ये पड़े हुए होते हैं, ये जाया नहीं हो जाते,
अब देखिए जिस तरह ये शॉप मेन्यू है, आप इसको दोबारा लगाना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, तो आप शॉप मेन्यू सेलेक्ट करें, सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर दें, और सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लास्ट में डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी चेक करके सेव मेन्यू कर देना है। तो ये आपका मेन्यू जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा और इस जगह पर शो होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। अब वुमेन के अंदर हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी, ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट की थी, इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद जब हम व्यू कार्ट करते हैं, तो व्यू कार्ट करने के बाद आप देखें कि मुझे यहां पर आके याद आया कि मुझे इसकी एक क्वांटिटी नहीं लेनी, मुझे इसकी दो क्वांटिटीज लेनी है। तो मैंने जैसे यहां से टू किया तो आप देखें कि हमारा सब टोटल ऑटोमेटिकली जो है वो रीलोड नहीं हुआ। उसके लिए एक बटन है नीचे अपडेट कार्ड का, ये बटन जब तक मैं प्रेस नहीं करूंगा तो ये यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है क्लाइंट्स को, क्योंकि देखें आजकल जो ज्यादातर यूजर आते हैं, यूजर हमारे आते हैं ज्यादातर मोबाइल से, ठीक है। अब मोबाइल के ऊपर अब ये विजिबल है, बहुत ज्यादा विजिबल है डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, लेकिन ये विजिबल नहीं है उसके लिए, मोबाइल के लिए, ठीक है। अगर मैं मोबाइल व्यू आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर इसका विजिबल होना, ये देखिए ये बहुत नीचे करके आता है। क्लाइंट ने क्वांटिटी यहीं से इंक्रीज कर देनी है, ठीक है, वो यहीं से क्वांटिटी इंक्रीज कर लेगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है ये एक टूल, AJX कार्ट ऑटो अपडेट। अब ये इसका लोगो भी देखें यहां पर पॉइंट आउट किया है। हम अपने प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद हम ऐड न्यू करते हैं, और ऐड न्यू करने के बाद हम यहाँ पर AJAX कार्ट को फाइंड आउट करते हैं। ये देखें AJAX कार्ट आप सिर्फ लिखेंगे तो ये प्लगइन आपके सामने अभी शो हो जाएगा। ये प्लगइन हमें कुछ भी नहीं करना, कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी, हमें जस्ट ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद हमें इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। ये देखिए ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पेज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये AJX कार्ट ऑटो अपडेट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हम इसको रीलोड करते हैं ताकि ये इंप्लीमेंट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए पहले नंबर पे तो ये ऑटो अपडेट का बटन यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद आप देखें कि जैसे ही मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता हूं, हमारा ये वेब पेज ऑटोमेटिकली लोड होता है, और हमारा सब टोटल जो है वो जितना भी बढ़ना होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो यहां पर हो जाता है। ये देखिए देखिए ये ऑटो अपलोड होगा, और ठीक है इसको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, कस्टमाइजेशन बोलते हैं। मुझे बताइए पहले वाला तरीका आसान था या बाद वाला तरीका आसान है? प्लगइन से पहले वाला तरीका ठीक था या प्लगइन के बाद वाला, सेकंड वन या फर्स्ट वाला? सेकंड वाला बहुत इजी है ना, तो इसी चीज के क्लाइंट आपको पैसे पे भी करता है, ठीक है। जब क्लाइंट आपको कहे तो आप उसको कहें जी ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल काम है, हमें करना पड़ेगा। क्लाइंट को क्या पता कि ये तो एक प्लगइन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और ये कोई मजायका नहीं है इसके अंदर कि आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, क्योंकि देखें आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं जिनसे आप ज्यादा अर्निंग करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? जरा मुझे बताइए। ओके ओके जी, ओके चलें अब हम नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्लगइन जो है हमारा वो है क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन। अब एक चीज अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नोट डाउन करें, देखिए यहां पर क्वांटिटी लिखा हुआ है तो हमें ये पता लग रहा है। अगर सपोज यहां से मैं अपना कार्ट एम्प्टी कर देता हूं और मैं वापस वुमेन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर आ जाता हूं, तो आप देखिए कि यहां पर मुझे क्वांटिटी का बटन ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है। मुझे
अब देखिए आप तो डेवलपर है, आपके सामने तो ये चीज आ रही है, लेकिन क्लाइंट के लिए ये चीज काफी मुश्किल है। तो इसको विजिबल करने के लिए एक प्लगइन है, और इस प्लगइन का नाम है क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन फॉर वूकॉमर्स, और ये इसका लोगो है। ये भी अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हम प्लगइन्स के सेक्शन में आते हैं। प्लगइन्स में हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन लिखेंगे। तो आप देखें कि ये आपको नीचे जो है वो शो हो गया, ये लोगो है, ये वाला जो प्लगइन है ये हमने यूज कर, ठीक है, ये प्लगइन हमने यूज करना। अब इस प्लगइन के लिए हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब मैं इसका इम्पैक्ट आपको चेक करवाता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये लास्ट में आप देखें तो ये क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन, इसकी सेटिंग हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। अब आप देखिए कि मैं इस पेज को रीलोड करता हूं, तो आप देखेंगे, ये देखें, ये क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन की सेटिंग में आके ये देखिए, ये बटन स्टाइल सिल्वर है। सपोज मैं इसको ब्लू करना चाहता हूं, मैं ब्लू करके इसको सेव कर देता हूं, और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके अभी इसको चेक करूंगा आया कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। आप ये देखिए, ये ब्लू हो गया, ठीक है। अगर मुझे ये करना है रेड, देखिए मैं रेड सिलेक्ट करूंगा, सेव चेंजेस कर दूंगा, तो ये जो हमारा प्लगइन है इसका कलर हो जाएगा यहां पर रेड। अब आप देखिए, यहां पर भी ये इंप्लीमेंट हो गया, और जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप व्यू कार्ट करेंगे, तो देखें ये व्यू कार्ट में भी जहां जहां पर क्वांटिटी बटन आएगा ये उसको चेंज करेगा और उसको विजिबल कर देगा। अब देखिए, मुझे बताइए कि फर्स्ट वाला विजिबल था या आफ्टर प्लगइन जो सेकंड वाला है वो विजिबल हो, बताइए जी। प्रोडक्ट के इमेज क्लाइंट देता है, मानो सेकंड वाला हो रहा है ना विजिबल, ठीक है, बिल्कुल आफ्टर वाला हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कस्टमाइजेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये प्लगइन्स ढूंढने पड़ जाए तो फिर टाइम लग जाता है। आप लोग ऐसे समझें कि हम आपको ये प्लगइन्स बने बनाए जो हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं, और आप इनको यूज करेंगे और आप एक स्टोर की बहुत अच्छी लुक बनाएंगे। अभी देखिए, प्लस से वो ऐड कर सकता है, माइनस से वो यहां से इंक्रीज करेगा क्वांटिटी और इधर से डिक्रीज करेगा क्वांटिटी। ये देखिए देखिए जी, ठीक है जी। तो ये अब काफी विजिबल हो गया सर। ये वर्ड वाला डॉक्यूमेंट भी देंगे आप जी, बिल्कुल, अभी मैं लेक्चर एंड होने से पहले ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड प्लगइन की तरफ चलते हैं, और थर्ड प्लगइन जो है वो हमारा है जी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन, और इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस प्लगइन का नाम है वेरिएशन स्वैचेस। अब देखिए, जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं उसके ऊपर कोई अपनी क्लॉथिंग सेल करेगा, कोई शूज सेल करेगा, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट सेल होंगी, तो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएशन भी होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के कलर के वेरिएशन होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के साइजेस के वेरिएशन होते हैं। तो ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन आपको हेल्प आउट करेगा वेरिएशंस क्रिएट करने में। अब वेरिएशन कैसे क्रिएट की जाती है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझ लीजिएगा। अभी इस प्लगइन का नाम है वेरिएशन स्वैचेस फॉर वू कॉमर्स, और ये प्लगइन का लोगो आपको शो हो रहा है। इसको हम प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम वेरिएशन स्वैचेस को, ये देखें जी, वेरिएशन स्वैचेस लिखते हैं। वेरिएशन स्वैचेस जैसे ही हम लिखते हैं तो ये देखें, ये हमारा प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल करना है। वैसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं ये, लेकिन बेस्ट प्लगइन है ये। देखिए, 2 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसकी, इसकी 9 हजार है, इसकी 10 हजार।
आपको बेस्ट प्लगइन चूज करना है। और ये देखिए 3 वीक्स पहले अपडेट आई है, 1 मंथ अगो आई है, इसकी भी बेशक 3 वीक्स अगो, और आप देखें इसने इसको कॉपी किया, इस प्लगइन को इस प्लगइन ने कॉपी किया, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट प्लगइन होता है वो चूज करना होता है। इसकी स्टार रेटिंग 5 है, इसकी स्टार रेटिंग 4.5 है, तो इसे आप जस्ट इंस्टॉल कीजिए और आप देखेंगे कि जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये WooCommerce से ऊपर एक स्वैचेस का सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये भी इंस्टॉल हो जाता है। तो हम फिर आगे मूव करते हैं, लीजिए अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद आप देखिएगा कि यहां पर ये स्वैचेस का सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए ये WooCommerce से ऊपर क्रिएटिव मेल से ऊपर ये स्वैचेस का सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। अब एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। एट्रीब्यूट कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप मेन्यू बनाते हैं वैसे ही एट्रीब्यूट्स बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले आप एट्रीब्यूट लिख दें, आप बेसिकली मैं बनाना चाह रहा हूं जी कलर का एट्रीब्यूट मैं बनाना चाह रहा हूं, और इसका स्लग भी मैं कलर ही दे देता हूं, ठीक है। अब यहां से आप इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप कलर भी बना सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं, बटन भी बना सकते हैं। बटन होता है ज्यादातर साइजेस के लिए कि जी स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल 4XL 5XL, ठीक है। इमेज जो होता है वो होता है डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम इमेज शो करवा देते हैं। और कलर जो है उसमें सॉलिड कलर शो होता है। अब मैं आपको कलर का एक बना के दिखा देता हूं, ये देखिए कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप एड एट्रीब्यूट कर देंगे तो ये देखिए ये यहां पर आपका एट्रीब्यूट बन जाएगा। ये देखिए जी हमारा कलर का एट्रीब्यूट यहां पर बन गया। अब कलर के एट्रीब्यूट को हमने कन्फिगर करना है और इसमें हमने अपने कलर्स बनाना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के कौन कौन से कलर्स हैं ताकि हम वही कलर्स बना लें। देखिए जी इसका कलर है रेड है, येलो है, पिंक है और ब्लू है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम कलर बना लेते हैं, एड न्यू कलर, सबसे पहले हम कलर बना लेते हैं रेड, इसका स्लग हम देते हैं रेड, और नीचे से हमें कलर चूज करना है, ये कलर हम चूज कर लेते हैं रेड, ठीक है। अब रेड में जोन सा भी रेड आपने चूज करना है, ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट चूज कर लें, जो भी है एड न्यू कलर कर दें। अब ये कलर यहां पर एड हो गया। इसके बाद हम बना लेते हैं येलो। अब यहां से हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये येलो कलर आ गया, इसको हम थोड़ा सा डार्क येलो कर देते हैं और एड न्यू कलर कर देते हैं। देखें ये येलो कलर बन गया। और कौन सा कलर है जी हमारे पास है पिंक एंड ब्लू, अब हम बना लेते हैं पिंक। अब पिंक कलर हम यहां से बना लेते हैं, कलर चूज करते हैं, ये पिंक का टोन है, ठीक है, हम इसको पिंक बना देते हैं, ये पिंक कलर बन गया जी। अब हम बना लेते हैं ब्लू, बेसिकली ये थोड़ा सा स्लाइट सा ब्लू कलर है, और ये कलर आई थिंक कुछ इस टाइप का आई थिंक कलर है, ठीक है, तो हम यही वाला बना लेते हैं, उससे मिलता जुलता। ये देखिए ये ब्लू का थोड़ा सा डिफरेंट टोन है, ठीक है, तो हम भी इसी टाइप का ही बना लेते हैं। अब ये चार हमारे कलर्स थे, हमने ये बना, ठीक है। ये बनाने के बाद अब आपको ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाना है, और ऑल प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूं। ऑल प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है क्लिक करके, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह को छोड़ दीजिए, यहां पर अब प्रोडक्ट डाटा में सिंपल प्रोडक्ट है, अब आप इसको वेरिएबल प्रोडक्ट बना, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट में सबसे पहले आप एट्रीब्यूट्स के ऊपर आएंगे और यहां से जो एट्रीब्यूट आपने बनाया है वो सिलेक्ट करके एड करवाएंगे इस एट्रीब्यूट को,
ये देखें जी, ये एट्रीब्यूट आ गया। अब यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, ये इसके सारे कलर आ गए। यूज फॉर वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे और सेव एट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। ये आपने एट्रीब्यूट बना दिया। अब आपको वेरिएशन में आ जाना है, और वेरिएशन में आने के बाद अब आपने जो एट्रीब्यूट क्रिएट किए हैं उनसे आपको वेरिएशन बनाना है। गो करेंगे, ओके कर देंगे, ये आपकी वेरिएशंस जो हैं, ओके कर देंगे दोबारा, ये आपकी वेरिएशंस क्रिएट हो गई, ब्लू, पिंक, रेड और येलो, ठीक है। आप किसी को भी मूव कर सकते हैं, ये देखिए यहां से आप क्लिक करें और ये आप येलो को ऊपर लें, ठीक है। आप रेड को ऊपर लाना चाहते हैं तो ये देखें आप इस तरीके से रेड को ऊपर लें। अब अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें ये ओपन हो गया। आप इसको इमेज लगा सकते हैं, आप क्लिक करें। अब ये रेड है तो रेड के ऊपर ये रेड सेलेक्ट करके सेट वेरिएशन इमेज कर दें। उसके अलावा आप मैनेज स्टॉक कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट का अलग रेगुलर प्राइस देंगे। सपोज मैं कहता हूँ जी 2250 रुपए की प्रोडक्ट है, सेल में 2050 रुपए की है, यहाँ पर 2050 रुपए की है। स्टॉक क्वांटिटी मेरे पास ये 15 पीसेस पड़े हुए हैं, डोंट अलाउ, बाकी चीजों को हम नहीं छेड़ते। अब येलो पे हम आ गए, येलो के अंदर हम येलो का सूट सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट वेरिएशन। उसके बाद हम मैनेज स्टॉक करते हैं, हम कहते हैं जी इसकी प्राइस है 2500 और अभी ये मिल रहा है 2250 में, स्टॉक इसका मेरे पास 15 पीसेस है, ठीक है। इसी तरह आप ब्लू पे आ जाएं, ब्लू के ऊपर आप ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, सेट वेरिएशन इमेज करेंगे, मैनेज स्टॉक करेंगे। इसकी प्राइस मैं कहता हूँ जी है जी 2750। आप डिफरेंट प्राइसेस भी दे सकते हैं, मैं कहता हूँ जी ये सेल में 2500 का है, स्टॉक क्वांटिटी इसकी है मेरे पास 10, ठीक है। अब आप लास्ट में आ जाएंगे पिंक के ऊपर, और पिंक का इमेज आप सेलेक्ट करेंगे, सेट वेरिएशन इमेज कर देंगे, मैनेज स्टॉक करेंगे। इसकी प्राइस मैं कहता हूँ जी है 3000 और ये अभी अवेलेबल है 2750 रुपये में, और इसकी क्वांटिटी मेरे पास सिर्फ 5 पीसेज है, ठीक है जी। ये करने के बाद आप सेव चेंजेस कर दें, ये अब आपकी प्रोडक्ट सेव हो गई। अब उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट को अपडेट जरूर कर, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, सेव जरूर हो जाए, ठीक है। अब आप देखें कि अगर हम इसी प्रोडक्ट को पेज को रीलोड करते हैं तो आप देखें, ये देखें ये कलर के हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर वेरिएशंस बन गए। अब जैसे मैं ब्लू को क्लिक करता हूं तो आप देखें ये ब्लू का सूट चेंज हो जाता है, पिंक करता हूं तो देखें पिंक हो जाएगा, रेड करता हूं तो देखें रेड हो जाएगा, येलो करता हूं तो आप देखें ये येलो। कैसे लगे जी आप लोगों को ये वाला ऑप्शन, ये वाली ऑप्टिमाइजेशन कैसी लगी आप लोगों को? आप साइजेस बना सकते हैं, आप इमेजेस बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, और इस प्लगइन के बगैर आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है वो कंप्लीट नहीं होता। और इस प्लगइन के हम मार्केट में 100 से 150 डॉलर चार्ज करते हैं इस एक प्लगइन के, ठीक है जी। क्लियर हो गया आप लोगों को? चले अब इसके बाद हमारा टाइम एंड हो रहा है बेसिकली। इसके बाद एक ये प्लगइन रह गया, टेबल रेट फॉर वू कॉमर्स बाय फ्लेक्सिबल शिपिंग। ये फ्लेक्सिबल शिपिंग का आप खुद इंस्टॉल करेंगे और इसकी सेटिंग आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, ये इसकी कंप्लीट डिटेल हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। अब ये जो फाइल है, बैज नंबर मेंशन करें जी आप लोग, अपने बैज नंबर मेंशन करें 42 एंड 41। ओके, मैं ये 42 और 41 को ये फाइल्स जो है वो मैं ये फाइल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये देखिए जी ये बैच नंबर 41, ये फाइल आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया, ये लीजिए। और बैच नंबर 42 को भी ये फाइल जो है वो मैंने सेंड कर दिया है, ये लीजिए, ठीक है जी। दोनों बैजेस को मैंने ये फाइल सेंड कर दिया, आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। ये बहुत काम का डॉक्यूमेंट है जो आगे आपके काम आएगा जी। अब हमारे पास 2-4 मिनट हैं, अगर 2 मिनट 3 मिनट हैं बेसिकली। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
सर वेबसाइट के बॉटम पे जो फुटर है उसमें चेंजेस नहीं हो रही। अच्छा मैं आपको क्विकली बता देता हूँ उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। अपेयरेंस के अंदर आप कस्टमाइज में आ जाएंगे। कस्टमाइज में आने के बाद आप देखिए वेबसाइट के चार्जेस जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइवर को भी डिस्कस करेंगे, कुछ ओपन मार्केट प्लेसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब आपको अर्निंग मेथड सिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि आप अपने फुटर में आ जाएं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये पेन साइन बना हुआ है, ठीक है। ये पेन साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली उस एरिया में ले जाएगा, ठीक है। अब ये लोगो लगा हुआ है, बेसिकली इमेज लगा हुआ है यहाँ पर ना, ठीक है। अब आप इस इमेज को सपोज यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये देखिए ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए आप कोई और इमेज यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं या आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर एरी लिखा गया। अब आप इस एरी को बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। आप यहाँ पर यहाँ एरी लिखा हुआ है, आपकी जो भी वेबसाइट है सपोज आपकी है, लीफ डॉक्स, आप ये लिख दीजिए और यहाँ पर आप कर दीजिए 2021, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 2021 लीफ डॉक्स ऑल राइट रिजर्व, ऑल राइट्स रिजर्व। यहाँ पर कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो ये देखें ये सेक्शन है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसको आप पब्लिश कर दें तो ये पब्लिश हो जाएगा। कॉन्टैक्ट को आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ये देखें कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए जी +92 3 0 8 सॉरी 3 3 0, ये क्यों नहीं लिख रहा, अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट जी, से हम क्लोज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अपेयरेंस के अंदर हम दोबारा से कस्टमाइज में आ जाते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं, सॉरी लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ से हम ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं +92, ये फिर तंग कर रहा है। ठीक है जी, ये देखिए ये नंबर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सब सेक्शन को जो है वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। निम्रा आपको आंसर करते हैं जी, इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं आपको, नॉर्मल वेबसाइट के चार्जेस। हाँ जी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगले लेक्चर में। सर आप काइंडली बता दें क्या हम हर कस्टमर के लिए न्यू डोमेन परचेज करेंगे? जी बिल्कुल, हर कस्टमर के लिए डोमेन अलग होगा। भाई आप मुझे एक बात बताएं कि एक ग्रॉसरी स्टोर है उसका नाम है सपोज ए, तो दूसरा कस्टमर भी आएगा उसका नाम भी ए होगा, तीसरा आएगा उसका नाम भी ए होगा। जब उनके नाम डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके डोमेन भी डिफरेंट होंगे। फुटर में डिजाइन बाय वर्डप्रेस की जगह अपना नाम डाल सकते हैं, अभी तो दिखाया है आपको। हाँ वो भी डाल सकते हैं। अब वो आप लोगों का टास्क है, वो आप लोग जरा फाइंड आउट करें वो कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा काम खुद भी किया करें। सर विल यू गाइड अस अबाउट लोगो डिजाइन? जी बिल्कुल गाइड कर दूंगा। सर किरारी डॉट पीके में प्रोडक्ट कैटेगरी होम पेज पर शो हो रही है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, सर ये कैसे करते हैं? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बिलाल हैदर, बट आप इसको खुद फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, खुद फाइंड आउट करेंगे। When we install WordPress for subdomain and we select the subdomain from
पॉप डाउन मेन्यू बीनीथ इट द साइट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कैन वी राइट द टाइटल, वहां ना लिखें, आप यहां से आके चेंज कर ले महवेश, ठीक है, वहां आपको चेंज करने की ऐसी जरूरत नहीं है। वहां पर समटाइम्स ये होता है कि चेंजेस करने से ना आपका वर्डप्रेस प्रॉब्लम कर जाता है। सर काइंडली आंसर करने कर दिया जी, हर कस्टमर के लिए न्यू डोमेन, जी बिल्कुल, और सर होस्टिंग भी अलग से, जी जब डोमेन अलहदा होगा तो होस्टिंग ऑब्वियसली बात है अलहदा होगी। हाउ टू मेक मल्टीपल पेजेस एट सेम टाइम, आप लोगों को ये चीज मैंने सिखाई थी जब मैंने आपको सर्विसेज के वेबसाइट के ऊपर पेजेस क्रिएट करके मेन्यू क्रिएट करना सिखाया था। अमार सादिद आप उस लेक्चर को रिपीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का टाइम अप हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।